हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई विल टुडे डिस्कस योर चैप्टर 5 एसिड बेस एंड सॉल्ट स्टैंडर्ड 7। टुडे आई डिस्कस व्हाट इज एसिड, व्हाट इज बेस एंड व्हाट इज सॉल्ट। फॉर एग्जांपल्स इन ए जनरल लाइफ to see the different substances everyday life, lemon, orange, curd, sugar, these substances is related to acidic natures. How to identify acids? Before these substances to discuss, we use a large number of edible substances in our daily life, such as lemon, salt, sugar, tamarind and curd. Do they have the same taste? No, they have different tastes. पर कि हम अपने ऐसे खाने में बहुत सारे ऐसे substances का use करते हैं अपने daily life में, for example lemon, salt, sugar, tamarind, curd, ये सभी का, तो इसमें ये देखते हैं कि taste में जो है ये जो है कोई सॉर नेचर का होता है, कोई सॉल्टी नेचर का होता है, कोई बिटर नेचर का होता है, कोई स्वीटनेस होता है। तो ऐसे ऐसे जो है टेस्ट जो है हमारे डेली जो है हमारे टंग जो है इस तरह के टेस्ट को फील करता है। तो बच्चों ये जो टेस्ट है फील करने का, ये 4 टाइप्स के टेस्ट, सॉर, बिटर, सॉल्टी एंड स्वीट। तो यही जो है हमें एसिडिक, बेसिक और सॉल्ट्स के नेचर को आइडेंटिफाई करता है। जैसे लेमन का टेस्ट कैसा लगता है, सौर की तरह। ऑरेंज जूस का सौर की तरह, सौर मीन्स में यानी खट्टा। उसके बाद कर्ड का टेस्ट कैसा लगता है, सौर। आंवला का टेस्ट कैसा लगता है, बीटर, कड़वा। तो ऐसे ऐसे सब्सटेंसेस हैं हमारे नेचर में, हमारे डेली लाइफ में जो यूज करते हैं खाने में, ये कोई ना कोई जो है टेस्ट से रिलेटेड सब्सटेंसेस हैं। सो सम सब्सटेंसेस टेस्ट आवर, सम टेस्ट बिटर, सम टेस्ट स्वीट, सम टेस्ट सॉल्टी। बट हम लोग आइडेंटिफाई होते हैं एसिड से, कि अभी डिस्कस किए कि एसिड, बेस और सॉल्ट इस तरह के प्रॉपर्टीज शो करते हैं हमारे जितने सारे एडिबल सब्सटेंसेज है वो। तो उसमें हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से सब्सटेंसेज एसिड्स नेचर के हैं। तो जितने सारे हमारे नेचर्स में अप्रॉक्स में सौर नेचर के हैं, सौर मतलब जो है खट्टा, तो वो सारे के सारे सब्सटेंसेज क्या है अप्रॉक्स, वो एसिडिक नेचर के शो करते हैं। तो यहाँ आपका टॉपिक है एसिड्स। We know that curd, lemon juice, orange juice and vinegar taste sour. These substances taste sour because they contain acids. The substances which are sour in taste are called acid. यानी कि वैसे substances जो taste में sour nature को show करे, तो ऐसे substances को हम लोग क्या जानेंगे, वो acidic natures के हैं। एसिडिक जो है ये वर्ड आया है लेटिन वर्ड एसिडस से। एसिडस का मीनिंग होता है सौर। क्या मीनिंग होता है, सौर। तो हमें ये पता चल गया कि एसिड का मीनिंग क्या हो गया, सौर। यानी कि जो भी सब्सटेंसेस सौर टेस्ट को शो करता हो हमें, यानी कि खट्टा लगता हो ऐसे सब्सटेंसेस, वो क्या उस सब्सटेंसेस को क्या बोलेंगे हम लोग, एसिडिक नेचर के। अब हम लोग यहाँ पे एसिड्स जो है वो देर आर टू टाइप्स। कितने टाइप्स के, टू टाइप्स के, ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड। यहाँ पे आपका एसिड्स कितने टाइप्स के और टू टाइप्स के। फर्स्ट में ये है आपका ऑर्गेनिक एसिड और दूसरा क्या है, मिनरल एसिड। अब हम लोग जाने कि ऑर्गेनिक एसिड्स क्या है और मिनरल एसिड क्या है। ऑर्गेनिक एसिड को नेचुरल एसिड्स भी कहा जाता है। क्या बच्चों आप जानते हैं कि ऑर्गेनिक एसिड्स को क्या कहा जाता है, नेचुरल एसिड्स कहा जाता है।
इसलिए कि हमारे नेचर्स में जितने सारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स और एनिमल्स से जो एसिड को फाइंड आउट किया जाता है, जितने सारे टाइप्स ऑफ एसिड्स हैं, अगर वो प्लांट्स और एनिमल्स से फाइंड आउट हो तो ऐसे एसिड्स को हम लोग क्या बोलेंगे, नेचुरल एसिड या ऑर्गेनिक एसिड बोलेंगे। द एसिड विच आर फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड क्या है आपको पता चला, कि ऐसे एसिड्स जो प्लांट्स और एनिमल्स से प्राप्त किया जाता है, तो ऐसे एसिड्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक एसिड्स। इस ऑर्गेनिक एसिड्स के कई सारे जो है सोर्सेज है, कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे साइट्रिक एसिड्स, ये क्या आपका ऑर्गेनिक एसिड है, जो हमें कहाँ से प्राप्त होता है, इस नेचुरल रिसोर्सेज में, साइट्रस फ्रूट्स जितने सारे हैं, चाहे ऑरेंज हो, लेमन हो। लैक्टिक एसिड कर्ड से प्राप्त किया जाता है, कर्ड में रहता है। एस्कॉर्बिक एसिड आंवला, साइट्रस फ्रूट्स। टार्टरिक एसिड टैमरिंड, ग्रेप्स। उसके बाद एसिटिक एसिड विनेगर, ऑक्सैलिक एसिड एस्पिंज, टमाटोज, गवाज। मेलिक एसिड एप्पल्स। एमिनो एसिड्स प्रोटीन्स। और टैनिक एसिड टी। ग्लाइकोलिक एसिड शुगर कैन। ये सभी ऐसे ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल सोर्सेज हैं, जिससे हमें डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिक एसिड फाइंड आउट किया जाता है। करें कि टार्टरिक एसिड इज मिक्स्ड विथ बेकिंग सोडा। करें कि जो हम लोग बेकिंग सोडा केक्स बिस्किट बनाने में यूज करते हैं, उस बेकिंग सोडा में टार्टरिक एसिड का यूज किया जाता है, मिक्स किया जाता है। नेक्स्ट है आपका एसिटिक एसिड इज यूज इन पिकल्स, टमाटोज, केचप। तो टमाटोज, केचप और पिकल्स बनाने में जो है एसिटिक एसिड का यूज किया जाता है। बिकॉज दे आर यूज इन द नेक्स्ट टाइप है आपका, यहाँ पे आपका एक टॉपिक है साइंस इन लाइफ, साइंस इन लाइफ। इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सर्वाइव इन एसिडिक इन्वायरमेंट। कह रहे कि जितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एसिडिक इन्वायरमेंट में सर्वाइव नहीं कर सकता है। विनेगर इज एडेड टू पैकेज फूड आइटम्स लाइक सॉस, केचप्स, पिकल्स। करे कि हमारे हम जो यूज करते हैं पिकल्स या सॉसेस, केचप्स, ये सभी में जो है विनेगर मिक्स किया जाता है। विनेगर क्या है, एसिटिक एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं, विनेगर बोलते हैं, ताकि ये फूड आइटम्स लॉन्ग टाइम तक रह सके, यानी कि लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व कर सके। तो ऐसे सब्सटेंसेज ऑर्गेनिक, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें सर्वाइव नहीं कर सके। तो ये था कि आपने ये जाना कि जितने सारे फूड आइटम्स जो हम लोग पिकल्स या सॉसेज यूज करते हैं, वो क्यों नहीं जो है बोतल में खराब होता है। तो इसका मतलब है कि उसमें विनेगर यानी कि एसिटिक एसिड जो है मिक्स किया जाता है, इसलिए मिक्स किया जाता है उसमें जो है कोई भी तरह का जितने सारे बैक्टीरियाज है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फंगस है, ये सभी उसमें नहीं हो, जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है। तो ऐसे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उसमें नहीं होने देता है। नेक्स्ट टाइप्स है आपका एसिडिक एसिड, वो है आपका मिनरल एसिड्स। मिनरल्स एसिड्स क्या है, ऐसे एसिड्स जो हमें मिनरल्स से प्राप्त किया जाता है। द एसिड्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड मिनरल एसिड्स। दे आर ह्यूमन मेड एसिड्स एंड आर ऑल्सो नॉन एज लेबोरेटरी एसिड्स, इसको भी बोलते हैं। यानी कि मिनरल्स एसिड जो है हमारे अर्थ के सरफेस पे, अर्थ क्रस्ट में जितने सारे मिनरल्स हैं, उस मिनरल से ये मिनरल एसिड प्राप्त किया जाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ह्यूमन मेड या आर्टिफिशियल एसिड्स। किसको बोलते हैं, मिनरल एसिड को आर्टिफिशियल एसिड बोलते हैं, क्योंकि ये लेबोरेटरी में तैयार किया जाता है। बिकॉज दे आर यूज इन द साइंस लेबोरेटरी टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट। करें कि जो हम लोग एक्सपेरिमेंट में जनरली यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द कॉमन मिनरल एसिड्स,
करेगा। इससे जो है जितने सारे हम लेबोरेटरी में यूज करते हैं एसिड्स, वो क्या है आपका मिनरल्स एसिड्स है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और डेंजरस भी होता है हमारे लिए। द मोस्ट कॉमन मिनरल्स एसिड्स आर फॉर एग्जाम्पल सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड्स एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स। मिनरल एसिड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड डेंजरस, दे आर हाईली कोरोसिव इन नेचर। दीज एसिड्स कैन यूज सर्वाइव बर्न्स टू स्किन्स, क्योंकि अगर ये एसिड्स हमारे बॉडी के ऊपर पड़ता है तो हमारे बॉडी जो है बॉडी का जो स्किन है वो बर्न होने लगता है। तो दीज एसिड्स शुड बी हैंडल्ड विथ ग्रेट केयर। जब भी हम इस तरह के मिनरल्स एसिड का यूज करें जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, डेंजरस है हमारे लाइफ के लिए, हमारे बॉडी के लिए, इसको काफ़ी जो है हैंडमेड ग्लव्स का यूज करके तभी जो है काफ़ी केयर रखना पड़ेगा इस एसिड्स का यूज करने के लिए। दे शुड नेवर बी हैंडल्ड विथ बेयर हैंड्स और टेस्टेड, करेक्ट। ऐसे जनरली ओपन हैंड से जो है नेक्ड हैंड से हम लोग जो है उस चीज को कभी भी इस मिनरल एसिड्स को स्ट्रॉन्ग एसिड को यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है आपका, जब हम एसिड्स की बात कर रहे हैं तो इसमें टू वर्ड्स आता है, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड एसिड्स। तो ये डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड एसिड क्या है, डाइल्यूट एसिड एंड कंसंट्रेटेड एसिड। एंड एसिड्स कैन बी डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन इट, करें कि ये डाइल्यूट एसिड और कंसंट्रेटेड एसिड जो है ये डिपेंड करता है कि वाटर में कितना अमाउंट में वो प्रेजेंट है, कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। अगर इसका अमाउंट ज़्यादा हो, लार्ज हो, यानी कि ऐसे एसिड सॉल्यूशंस जिसमें अगर वाटर में मिक्स करते हैं एसिड्स को, अगर उस वाटर में लार्ज अमाउंट में वो एसिड्स मिक्स हो तो ऐसे में एसिड्स को हम लोग क्या बोलेंगे, डाइल्यूट एसिड्स। अगर वो स्मॉल क्वांटिटी में मिक्स हो तो उसके क्या बोलेंगे हम लोग, कंसंट्रेटेड एसिड्स। द एसिडिक सोल्यूशन विच हैज लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एसिड्स इज कॉल्ड डाइल्यूट एसिड्स, यानी कि वाटर में के सोल्यूशंस में जो एसिड के सोल्यूशंस है वाटर एंड एसिड का, उस वाटर में अगर लार्ज क्वांटिटी में एसिड मिक्स हुआ तो ऐसे एसिड सोल्यूशंस को क्या बोलेंगे हम लोग, डाइल्यूट एसिड बोलेंगे। कंसंट्रेटेड एसिड, द एसिडिक सोल्यूशन विच हैज अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर और लार्ज क्वांटिटी ऑफ एसिड इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड एसिड्स। ऐसे एसिडिक सोल्यूशंस जिसमें काफ़ी स्मॉल क्वांटिटी में एसिड्स वाटर में मिक्स हो, यानी कि वाटर के सोल्यूशंस में मिक्स हो, तो ऐसे एसिड्स को हम लोग क्या बोलेंगे, कंसंट्रेटेड एसिड। डू यू अंडरस्टैंड बच्चों, अ कंसंट्रेटेड एसिड इज एन एसिड्स इन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म और हैज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर। डू यू नो आपका टॉपिक है, डू यू नो ईच सेल इन आवर बॉडी कंटेंस एन एसिड्स, करें कि हमारे बॉडी, हमारे जो बॉडी है वो मेनी नंबर ऑफ सेल्स से बना हुआ है, तो प्रत्येक सेल में, ईच सेल्स में जो है वो एसिड्स पाया जाता है, एसिड्स अवेलेबल होता है। जिस एसिड को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं डीएनए, क्या बोलते हैं शॉर्ट में, यानी हमारे सेल्स के अंदर जो एसिड अवेलेबल होता है उसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो हमारे बॉडी के सेल्स में अवेलेबल रहता है। इट कंट्रोल्स एवरी फीचर्स ऑफ बॉडी सच एज आवर लुक्स, कलर्स, आवर आइज, आवर हाइट, इटीसी, करेक्ट। हमारे बॉडी में के जो भी फीचर्स हैं, कलर है, हाइट है, लुक्स है या आइज है, ये सारे इस डीएनए के बेसिस पर, इस एसिड्स के बेसिस पे ये कंट्रोल होता है। प्रोटीन्स दैट बिल्ड पार्ट ऑफ आवर सेल्स आर ऑल्सो मेड ऑफ अमीनो एसिड, करेक्ट। हमारे सेल्स में जो एमिनो एसिड्स है, जो प्रोटीन्स है, उसमें भी एमिनो एसिड्स अवेलेबल होता है, यानी कि जितने सारे प्रोटीन्स है वो एमिनो एसिड से मिलकर के बना हुआ है। द फैट्स इन आवर बॉडी कंटेंस फैटी एसिड, फैट में भी कौन से एसिड्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, यानी कि हमारे बॉडी का सेल्स भी एसिड से बना हुआ है, उसमें यानी कि एसिड्स अवेलेबल है।
उसके बाद हम जो प्रोटीन न्यूट्रिशंस के रूप में लेते हैं अपने बॉडी में, वो भी उसमें भी जो है एमिनो एसिड पाया जाता है। हमारे बॉडी में जो फैट्स हैं उसमें भी फैटी एसिड अवेलेबल है। यहाँ डिस्कस कर रहे हैं हम कुछ जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर रहे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है लेमन जूस इज डैश इन टेस्ट। अभी जस्ट बताया कि लेमन जो है जितने सारे टाइप्स ऑफ फ्रूट्स हैं ये कोई ना कोई एसिड नेचर को शो करता है, तो लेमन जूस जो है उसमें किस तरह का एसिड अवेलेबल होता है, किस तरह का टेस्ट होता है, सॉल्ट टेस्ट रहता है। ये इज करेक्ट आंसर्स। टू नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ मिनरल एसिड्स। अब इसके कई सारे ऑप्शन हैं, करेक्ट विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ मिनरल एसिड्स। इसके ऑप्शन में कौन से जो है मिनरल एसिड्स हैं, साइट्रिक एसिड, ऑक्जिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो आपका मिनरल एसिड्स है। योर करेक्ट आंसर्स डी। थ्री नंबर क्वेश्चन, फ्रूट्स सच एज ऑरेंज, लेमन्स, एटीसी कंटेंस डैश एसिड। कह रहे कि फ्रूट्स जो ऑरेंज और लेमन है उसमें किस तरह के एसिड्स अवेलेबल होता है, तो आपके ऑप्शन है साइट्रिक, लैक्टिक, एस्कॉर्बिक और एसिटिक। तो ए इज करेक्ट आंसर। इसमें लेमन और ऑरेंज में किस तरह का एसिड पाया जाता है, साइट्रिक एसिड। फोर नंबर क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ नेचुरल सब्सटेंस। ये आपके ऑप्शन हैं ग्लूकोज, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यूरिया, शुगर। यानी कि ये सारे ऐसे नेचुरल सब्सटेंसेस है, तो इस नेचुरल सब्सटेंसेस में कौन से ऐसे सब्सटेंसेस है जो नेचुरल सब्सटेंसेस नहीं है, ग्लूकोज, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यूरिया और शुगर। तो यूरिया क्या है आपका, आर्टिफिशियल सब्सटेंसेस है, नॉट नेचुरल सब्सटेंसेस। फाइव नंबर क्वेश्चन, बेसिस आर जनरली डैश टू टच। करे कि बेस को टच करने पर जो है वो कैसा फील होता है, तो सॉपी फील होता है। तो हम लोग डिस्कस करते हैं, इस अभी जो भी डिस्कस किए वो एसिड से रिलेटेड डिस्कस किए थे। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर देखते हैं, बेसिस। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, बेस। अभी डिस्कस किए एसिड्स के बारे में, अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेस के बारे में। करें कि हम लोग बेकिंग सोडा जो कि हम लोग यूज करते हैं केक्स बनाने में, बिस्किट्स बनाने में, ये बेकिंग सोडा यानी जितने टाइप्स ऑफ सोडा है वो जो है टेस्ट में सॉल्ट टेस्ट नहीं लगता है, वो बीटर टेस्ट लगता है। कैसा लगता है, बीटर टेस्ट। यानी कि बेकिंग सोडा का टेस्ट कैसा है, कैसा टेस्ट फील होता है, बीटर यानी कि कड़वा। और इस बेकिंग सोडा का हम लोग यूज करते हैं कई सारे फूड आइटम्स मेकिंग करने में। तो बेकिंग सोडा डज नॉट हैव सॉल्ट टेस्ट, इट हैज बीटर टेस्ट। यानी कि ये इसका जो है बेकिंग सोडा का टेस्ट कैसा है, कड़वा है। इफ वी रब अ सॉल्यूशंस ऑफ अ बेकिंग सोडा बिटवीन आवर फिंगर्स इट फील्स सॉपी। करें कि अगर हम अपने फिंगर पे बेकिंग सोडा को अगर रबिंग करें तो ऐसा फिंगर में फील होता है कि वो क्या है, स्लिपरी है, यानी कि फिसलने का काम होगा फिंगर पे। यानी कि वो जो है दोनों फिंगर ऐसा लगेगा कि वो स्लिप कर रहा है। तो ये सॉपी नेचर्स का होता है। कौन, बेसिस। द सब्सटेंसेस लाइक बेकिंग सोडा व्हिच आर बीटर इन टेस्ट एंड हैव सॉपी टच आर नोन एज बेसिस। कह रहा है कि ऐसे सब्सटेंसेस जो बीटर टेस्ट यानी कि बीटर नेचर के हो और टच करने पर सॉपी यानी कि स्लिपरी शो करे, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। द नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस इज सेड टू बी बेसिक। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखें कि कुछ ऐसे जो है केमिकल्स नेम्स हैं उसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो बेस नेचर के हैं। यानी कि उसके नाम के लास्ट में जितने सारे हाइड्रोक्साइड हो, ऑक्साइड हो, वो सारे के सारे जो है सब्सटेंसेस वो बेस होंगे।
चाहे वो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो, पोटासियम हाइड्रोक्साइड हो या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो, ये जितने टाइप ऑफ नेम है तो ये सभी के सभी जो है बेस नेचर के कोशो करता है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेचुरल सब्सटेंसेस पे। दो सब्सटेंसेस व्हिच आर नाइदर एसिडिक नोर बेसिक इज कॉल्ड नेचर और कॉल्ड न्यूट्रल सब्सटेंसेस। सॉरी, यानी कि अब हम लोग जो है एसिड और बेस के बारे में डिस्कस किए। अब इस दोनों का ऐसे सब्सटेंसेस न तो वो एसिडिक नेचर्स के होते हैं और न ही बेसिक नेचर्स के होते हैं, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रल सब्सटेंसेस। जैसे हम लोग लेते हैं प्योर वाटर, जो प्योर वाटर है, जैसे वाटर को हीटिंग करते हैं तो वाटर वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है, उस वेपर फॉर्म को फिर अगर स्टोर करके कंडेंसेट करके अगर हम कहीं कलेक्ट करके किसी बॉटल में रखे तो वो वाटर जो है आपका प्योर वाटर कहलाता है, यानी कि डिस्टिल वाटर कहलाता है। यानी कि यो जो डिस्टिल वाटर है उसमें कोई भी मिनरल्स अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे वाटर क्या है, न्यूट्रल वाटर है। ऐसे सब वाटर को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रल, यानी कि वो उसमें कोई मिनरल्स अवेलेबल नहीं है, ना तो वो एसिडिक को शो करता है और ना बेसिक नेचर्स को शो करता है, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रल सब्सटेंसेस। दो सब्सटेंसेस व्हिच आर नाइदर एसिडिक नोर बेसिक इन नेचर्स। और भी इसके कई सारे एग्जांपल्स हैं, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिकेटर्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच।